आप लोगों से मुखातिब हूं, मगर इस बार एक अनशन शुरू करने के लिए, आमरण अनशन, मगर जैसा अभी कहा गया चुनाव के आने के संदर्भ में, इसे हम चरणों में करेंगे, 21 दिन के चरणों में, जब तक हमारे लद्दाख की ये आवाज सुनी नहीं जाती, जब तक सरकार लद्दाख पर ध्यान न दे। भारत माता की हम जय करते आए हैं, भारत माता की लद्दाख के सैनिक ही नहीं, लोग, साधारण जनता रक्षा करते आए हैं हर जंग में। 1948 से 65, 62, 71, 99 हर जंग में लद्दाख के लोग सैनिकों के साथ युद्ध भूमि तक जाते रहे हैं। और उससे पहले जब भारत आजाद हुआ तब लद्दाख कश्मीर का हिस्सा था, किसी ऐतिहासिक गलती के वजह से ये लद्दाख जो कि एक स्वतंत्र राज था हमारे अपने राजा का, वो कश्मीर का हिस्सा बना। और फिर 1947 में लद्दाख ने गुहार लगाई कि उसे भारत माता का एक हिस्सा बनाया जाए सीधे, मगर ये नहीं सुनी गई और हम कश्मीर में ही रहे। और इस हालत से हमें आजाद कराया गया 2019 में आज की जो सरकार है मोदी जी के, उस सरकार ने, और उनके हम सदा कृतज्ञ रहेंगे कि आपने लद्दाख को उनका हक दिया, लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी की तरह अलग प्रदेश बनाया। मगर मोदी जी, समस्या ये है कि आपने हमें आसमान से तो बचाया मगर खजूर पे लटकाया, और आज हम ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे किसी अपहरणकर्ता के अपहरण से आपने हमें बचा के लाया मगर फिर हमें बेचने पर लिए रख दिया भरी बाजार में। हमें उस अपहरण की स्थिति से निकाल कर लाए जिसके हम इतने कृतज्ञ थे, मगर हम आज खुद को और भी मुश्किल में पा रहे हैं क्योंकि हम चौराहे पे अपने माँ बेटियों के साथ जैसे दिखने को खड़े हैं। ये जो यहाँ लद्दाख की जनता, जनजातीय जनता है, ये लद्दाख की जो संवेदनशील नाजुक पर्यावरण है, ये बिकने के लिए आज चौराहे पे है कि इस पे कोई भी आके कुछ भी कर सके। यहाँ कोई भी गुट, जो खनन के गुट हैं, औद्योगिक गुट हैं, इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है कि कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे ये सह नहीं सकेगी लद्दाख का पर्यावरण, ऐसा औद्योगिक विनाश कहूंगा मैं तो, विकास नहीं। पूरे हिमालय में देख रहे हैं आप, हिमाचल से लेके सिक्किम तक क्या हो रहा है नतीजा ऐसे विकास और विनाश का। तो यही फिर लद्दाख में होने जा रहा है, और इस बार ऐसे कि हम कुछ कह भी नहीं सकेंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा था कि हमें चौराहे पे खड़ा कर दिया क्योंकि आज हम ऐसा महसूस करते हैं जैसे हमारे हाथ पैर पर सब काट के आपने खड़ा रख दिया है दिखने के लिए। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख को जम्मू कश्मीर से निकाल के यूटी विदाउट लेजिस्लेचर, विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि बिना लोकतंत्र का यूटी बनाया है जिसमें कहीं कोई आवाज रखने की मंच नहीं है जनता के लिए। और इसलिए आज लोग भारत के अन्य राज्यों की तरह, अन्य नागरिकों की तरह अपना हंक मांगते हैं कि कम से कम यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली, जो कि लद्दाख का हमेशा से मांग था, यूटी विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं था, वो दिया जाए। तो हम क्या बुरा कह रहे हैं, क्या ज्यादा मांग रहे हैं? वही मांग रहे हैं जो दिल्ली को, मुंबई को, या केरल को, या बंगाल को, पंजाब को, हरियाणा को, हर राज्य के नागरिकों को ये हक दिया है भारत माता ने। तो लद्दाख ने क्या गलती की कि उसे आप लोकतंत्र से वंचित रखेंगे, बिना हाथ पैर जबान के
रखेंगे। तो एक तो लद्दाख के लोग ये चाहते हैं कि लद्दाख का प्रशासन, लद्दाख का प्रबंधन लद्दाख के लोगों के मंशा अनुसार हो, और उसका एक तरीका है असेंबली, जहां पर चुने हुए प्रतिनिधि फैसले करते हैं अपने चेयरमैन या चीफ मिनिस्टर के साथ, ना कि एक गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कहीं बाहर से आते हैं और कुछ ही साल रह के चले जाते हैं। समस्या ये नहीं है कि वो बाहर से आते हैं, समस्या ये है कि लद्दाख जैसे पर्यावरण को कोई समझ नहीं पाता है जिसने लद्दाख देखा भी ना हो, और उनके 3 साल तो इसे समझने में लग जाते हैं और फिर बाकी वापस जाने में, और ऐसे में ऐसे गलतियां कर बैठते हैं या बैठेंगे जिसका नतीजा यहाँ के जनजातीय जनता को सदियों तक भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए लद्दाख चाहता है कि यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि फैसला करें लद्दाख का, और जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ जो बसते हैं और जन्मों तक बसते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि इस पर्यावरण को बिगाड़ के आज ही का नहीं कल की परवाह ना करें, ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए एक तो यूटी विद लेजिस्लेचर, दूसरा तरीका है जो कि भारत माता ने ऐसे संवेदनशील जगहों के लिए जहां पर जनजातीय लोग बसते हैं 1950 में अपने संविधान में निहित कर रखा था हमारे पूर्वजों ने, नेताओं ने उस समय के, कि ऐसे जगहों पे 6वें शेड्यूल से आप संरक्षण देंगे। तो ये जो 6वां शेड्यूल है, ये एक ऐसा प्रावधान है कि जिससे ऐसे जगहों को और यहाँ की जनता को संरक्षित रख सके। ऐसा नहीं है कि इससे यहाँ कुछ भी विकास नहीं होगा, यहाँ पर उद्योग नहीं होगा। 6वां शेड्यूल सिर्फ ये कहता है कि यहाँ पर ऑटोनोमस काउंसिल्स बनेंगे जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि अपने फैसले खुद करेंगे अपने विकास का, और उनके पास नियम बनाने की क्षमता होगी, कानून होगी, लॉ मेकिंग पावर। तो यही आपसे हम मांग कर रहे हैं, बल्कि मांग ही नहीं, ये आपका वादा है। जब लद्दाख यूटी बना तो आप ही ने, आपकी सरकार ने एक बार नहीं दो बार चुनावों में, घोषणा पत्रों में लद्दाख से ये वादा किया कि ऐसा संरक्षण लद्दाख को दिया जाएगा। मैंने पहले भी दिखाया है, आज फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था, और फिर 2020 में जब लद्दाख यूटी बन चुका था और यहाँ का जो पर्वतीय काउंसिल है, हिल काउंसिल, उसके चुनाव हो रहे थे, तब फिर ये वादा दोहराया गया था। उस समय तो फिर इस मांग को पहला सूची में पहला बिंदु रखा गया था, लद्दाख को हम संरक्षण देंगे 6वें शेड्यूल में। तो एक तरह से आपने एक चेक लिख के दिया हमें, उस समय चेक पे लिखा था 6वां शेड्यूल मैं धारक को देने की प्रतिज्ञा करता हूं। मगर अफसोस, उसके बाद के महीनों और सालों में जब हम इस चेक को लेकर कैश करने गए तो इस पे ठप्पा लगता है कि ये चेक बाउंस हो गया, इस चेक में से आपको कुछ नहीं मिलेगा। आज हम आपको फिर गुहार लगाने आए हैं कि आपका दिया हुआ चेक बाउंस हो गया, ये वादा झूठा निकला। और हम नहीं समझते कि आप झूठ बोलेंगे, हम नहीं समझना चाहते हैं कि आप बेईमानी करेंगे, हम शायद यही समझना चाहते हैं कि अभी भी देर है, अंधेर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सच्चाई के मानने वालों में से हैं। आप जब राम मंदिर बनाते हैं अयोध्या में, तो वो सिर्फ एक ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं, हमें यकीन है कि वो राम, श्री राम, भगवान राम के आदर्शों का एक मंदिर है, और आप उनके अनुसार चलते हैं। और राम भगवान का आदर्श था सच्चाई, वचन का पालन करना। रामचरितमानस में कहा है, रघुकुल रीति सदा चली आई,
प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जा सकते हैं बगैर वचन नहीं जा सकते हैं। तो ये उम्मीद हम करते हैं उन नेताओं ने जिन्होंने राम का सम्मान किया, वो उनके आदर्शों का भी सम्मान करेंगे और प्राण जाए पर वचन नहीं जाएंगे, वरना प्राण हमारे जाएंगे अनशन में ताकि आप वचन से न गिर पाए। तो हमारी उम्मीद है कि आप लद्दाख को ऐसे जो प्रावधान भारत के ही संविधान में है वो देंगे और हम उस चेक को लेके ही रहेंगे। हम कैसे मान लें कि जो आप सिक्स शेड्यूल के बदले एक कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड देंगे, एक धुंधला सा कॉपी किसी चीज का जो आप देंगे। हमें तो वादा किया था कि आपको एक अच्छा सा घोड़ा देंगे और अब जब मांगने आए चेक लेके तो आप हमें एक गधा थमा रहे हैं। तो घोड़े और गधे में फर्क तो लद्दाख के लोगों को भी समझ आता है। अगर आपकी नीयत ठीक होती तो आप अपने वादे के अनुसार, ये नहीं कि हम कुछ नया मांग रहे हैं, अपना वादा तो पूरा करते, हमें आप ये कुछ और दे के बहला के वापस ना भेजते। तो हम मांग करते हैं कि आप हमें जो चेक पे लिखा है वही देंगे। हमें उम्मीद है कि आप भी अपने बच्चों को यही सिखाते होंगे कि हक मांगना आना चाहिए, जो वादा किया है उसका निभाने का भी हमें विवश करना आना चाहिए। और ऐसा विवश करने के लिए हम किसी और पे कोई जुल्म कोई तकलीफ नहीं डालेंगे, हम खुद पे तकलीफ डालेंगे। आज से हम ये अनशन शुरू कर रहे हैं 21 दिन के, जब तक हमारी ये उम्मीदें पूरी ना हो, जब तक आप सच्चाई पर खरा ना उतरे। तो ये हमारी उम्मीद है आपसे सिक्स शेड्यूल के प्रति। क्यों ये जरूरी है लद्दाख के लोगों के लिए? लद्दाख के लोग आज पिसे जा रहे हैं, उनका जमीन जो कि बहुत कम उपजाऊ है, क्षेत्रफल बहुत है मगर बहुत कम जनसंख्या यहाँ पनप पाती है, 3 लाख क्षेत्रफल में ये बहुत से राज्यों से भी बड़ा है, मगर आज हमारे चरवाहे जो पश्मीना का उत्पादन करते हैं वो दोनों तरफ से पिस रहे हैं। एक तरफ से चीन अतिक्रमण करके उनके चरागे लेते जा रही है और अब कम और कम ये चरागे होते जा रहे हैं, उनकी आमदनी कम होती जा रही है, उनके पशु कम होते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भारत की तरफ से भी ये जो औद्योगिक गुट है, इंडस्ट्रियल लॉबी, उनको ये जमीनें दी जा रही हैं। तो कहां जाएंगे यहाँ के ये चरवाहे? एक तरफ चीन का अतिक्रमण, दूसरी तरफ औद्योगिक घरों का यहाँ बहुत कतारें लगी हैं, जो उनमें से सबसे अच्छा है, जो हम भी चाहते हैं हो यहाँ लद्दाख में, वो है सूर्य ऊर्जा की, बिजली की, सूरज की। लद्दाख में सूरज बहुत है, हम चाहते हैं कि लद्दाख काम आए भारत के ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, मगर वो भी यहाँ के लोगों के फायदे और नुकसान को देखे बिना अंधाधुंध किए जा रहे हैं। 13 गीगावाट का प्रोजेक्ट घोषणा हुई है और इसमें कितने चरवाहों के चरागे जा रहे हैं आपको अंदाजा है? अगर यहाँ के लोगों पे छोड़ते आप, अगर सिक्स शेड्यूल के अनुसार चंपा समुदाय के लोगों पे छोड़ते तो वो सदा के रीति की तरह शायद पहाड़ों पे वो सोलर पैनल्स को लगाते, या ऐसे और मैदानों पे जहाँ चरागे नहीं है जैसे सिरचू, वहां कम से कम नुकसान होगा मगर वहां ना लगा के अभी ये पांग में लगा रहे हैं जहां पर सबसे अच्छे चरागे कुर्बान हो जाएंगे। और कम नहीं, अभी जो ये पहला चरण है 13 गीगावाट का, इसी में कहा जाता है कि लगभग 150 स्क्वायर किलोमीटर का जमीन जाएगा। 150 स्क्वायर किलोमीटर आपको समझ आ रहा है? अगर हम 1 किलोमीटर की चौड़ाई का 150 किलोमीटर लंबा
लकीर खींचे तो वो पूरा जमीन इस सोलर एनर्जी जो कि कोई औद्योगिक घराना स्थापित करेगा और जिसकी बिजली भारत के बाकी शहरों को जाएगी, जिसके लिए हमें खुशी है, मगर वो इस कीमत पर नहीं कि यहाँ के चरवाहे भूखे मरे। कहा तो ये जाता है कि ये 30 गीगावाट तक जाएगा, यानी कि लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर के करीब जमीन इसमें जाएगा। तो ऐसे फैसलों को अगर आप यहाँ के समुदायों के साथ करते, जो कि 6 शेड्यूल कहता है कि बिना स्थानीय जनजातीय लोगों के समन्वय के आप नहीं कर सकते, तो आज उनको ऐसी हानि नहीं होती। तो ये शुरुआत है सबसे अच्छे उद्योग का। अब आप सोचिए, जब यहाँ पर खनन होगा किसी पदार्थ का, धातु का, तो इन पहाड़ों का क्या हालत होगा? आज टूरिस्ट के गाड़ियों के धुएं से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, कल को उद्योग के धुओं से यहाँ के पानी का क्या होगा और पूरे उत्तर भारत के पानी का क्या होगा, सोचने की जरूरत है। आज विकास सिर्फ आज के पीढ़ी के लिए और उसमें भी कुछ घरानों के, कुछ उद्योगपतियों के लिए न हो, ये विकास सारे जनता के लिए हो और अनेक पीढ़ियों के लिए हो, इसलिए हम चाहते हैं कि 6 शेड्यूल में लद्दाख को संरक्षित किया जाए। तो अगर जरूरत पड़े तो हम आपको और भारत और देश की जनता को दिखाने ले चलेंगे चांगथांग, जो कि सीमा पर है, क्या हालत हो रही है लद्दाख की जमीन की, जहां पर ये सोलर प्रोजेक्ट भी है और जहां हम आपको दिखा सकते हैं कि चीन कितना अंदर अतिक्रमण करके आया, ताकि दुनिया देखे, देश देखे लद्दाख के चरवाहों के साथ क्या हो रहा है। हम कभी कभी कहते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, मगर जो हो रहा है, हम एक बॉर्डर मार्च इस अनशन के बाद शायद 20-25 दिनों में करें, जहां 5-10 हजार लोग सीमा की तरफ जाएं और देखें कहां तक हम जा सकते हैं। उससे साफ आपको दिखेगा कि हम अब कहां तक जा सकते हैं और कहां तक जा सकते थे। हम चरवाहों के साथ जाएंगे और वो हमें दिखाएंगे कि कहां तक उनके चरागे थे, और जब हमें रोका जाएगा या भारत या चीन के सेना के द्वारा, उससे आप लोगों को पता चलेगा कि कितना अतिक्रमण हुआ है। तो हम एक बॉर्डर मार्च की भी कल्पना कर रहे हैं, जिससे कि देश और दुनिया को पता चले लद्दाख के लोगों के साथ क्या हो रहा है, देश से भी और विदेश से भी। तो इन सब से लद्दाख को संरक्षित करने के लिए हम सरकार से चांद सितारे नहीं मांग रहे हैं, उन्हीं का किया हुआ वादा, संविधान में दिया हुआ अनुच्छेद लागू करने की मांग कर रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र, हिमालय में लद्दाख के कई बहने हैं, वो स्कार्दू बाल्टिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, तिब्बत जो कि अभी चीन में है, सिक्किम भारत में ही है, भूटान आजाद है, इन सब में, यहाँ तक कि स्कार्दू बाल्टिस्तान में भी लोकतंत्र का एक प्रणाली है चुने हुए प्रतिनिधियों का। तिब्बत चीन में है, वहां भी एक इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी का। सिक्किम में तो पहले से ही पूर्ण लोकतंत्र है ही, भूटान में है, और सिक्किम में, सिक्किम की आबादी जब सिक्किम राज्य बना तो केवल 3 लाख से भी कम थी, लद्दाख से भी कम थी, आज हमें कहा जाता है कि आपकी आबादी उतनी नहीं है। तो ये ना कहिएगा, अगर सिक्किम लोकतंत्र पा सकता है तो लद्दाख भी पा सकता है। तो इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज देश की जनता से अपील करता हूं, गुहार लगाता हूं कि ये समस्या सिर्फ लद्दाख के लोगों की नहीं है, पूरे भारत की समस्या है, और अगर लद्दाख के लोग हर युद्ध में सैनिकों के साथ भारत की रक्षा करने निकले हैं हर वक्त, तो आज भारत के नागरिकों के, चाहे वो दिल्ली में हो, चेन्नई में हो, कलकत्ता में हो, मुंबई में हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आज आप लद्दाख की रक्षा करें। इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप में से जो लद्दाख आए हैं वो तो इसमें नेतृत्व दें, और बाकी लोग जो लद्दाख का ख्याल करते हैं वो सब मिलके अपने अपने शहरों में फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, लद्दाख के दोस्त, ऐसे समूह
लद्दाख मित्र समूह बनाए, फ्रेंड्स ऑफ लद्दाख, फ्रेंड्स ऑफ नेचर, जो कि ऐसे अंधाधुंध विनाश विकास से लद्दाख को बचाए। आपकी आवाज बहुत जरूरी है, सरकार तक पहुंचे आपकी आवाज, प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे आपकी आवाज, गृह मंत्री जी तक पहुंचे हमारी आवाज के साथ मिलके, ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारे सरकार पर हमें समझ आता है, जैसा हम देख रहे हैं और जैसा कई नेताओं ने कहा है भारत के, खासकर ऑपोजिशन के, कि कई औद्योगिक घराने, कई औद्योगिक गुट सरकार पर यह दबाव डाल रहे हैं कि लद्दाख को संरक्षित न रखें, ताकि वो लद्दाख में खिलवाड़ कर सकें, वो लद्दाख के जमीन, लद्दाख के वादियों को माइनिंग कर सकें। तो अगर उनका दबाव सरकार पर है, तो फिजिक्स में कहते हैं कि इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस होने चाहिए। तो हमारी तरफ से और आपकी तरफ से इक्वल एंड अपोजिट, बराबर की आवाज और शक्ति और प्रेशर, दबाव सरकार पर आए कि वो जो दबाव औद्योगिक गुटों से है उसका ये बराबर हो, और सरकार फिर अच्छे नियत से, अच्छे समझ से फैसला कर सके बिना किसी दबाव के। तो ये हमारी एक दायित्व है कि आज आवाज उठाएं, आज लिखें सरकार को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, लद्दाख के संरक्षण के बारे में, जैसे लद्दाख भारत के संरक्षण और रक्षा के लिए हमेशा उतरता रहा है युद्ध भूमि में, आज आपकी बारी है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय लद्दाख। कमला तुझे जमी मांगन, यस।